दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गाने को जो है कहते हैं कि है एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी कोई आप गाना प्ले करेंगे, गाना आप तभी प्ले कर सकते हैं जब आपको आकार आता होगा। यानी कि कोई जैसे गाने का तर्ज है और उस तर्ज को आकार में आता होगा तभी आप जो है गीत को निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को हम बताएंगे, आकार में करना, अपने स्वर को समझना, अपने स्वर को आगे बढ़ाना, हर एक बटन के मतलब कौन सी कहाँ पर हमारी उंगली जानी चाहिए, कौन सी जहाँ पर जाएगी वहाँ पर किस तरीके की बटन पर आवाज़ निकलेगी, वो गाने के बोल कौन से मतलब क्या निकलेगा, कुछ भी जो भी होता है इस वीडियो में आपको बहुत स्पेशल तरीके से बहुत अलग नॉलेज मिलने वाली है। तो बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, आपको बहुत बेस्ट नॉलेज मिलेगी। आपको ये पता चलेगा कि हाँ आकार में, जैसे मान लीजिए आपको तर्ज आती है, बहुत सारे आपने गाने सीख लिए, एग्जाम्पल फोर, आपने यहाँ पर बहुत सारे गीत सीख लिए, ठीक है, और उन्हीं तर्जों पर एक तो गाना है नहीं, एक तर्ज पर पता नहीं कितने गाने हो, और आपको तर्ज मालूम है और गाना कोई दूसरा सामने वाला गा रहा है या तुम्हें खुद दूसरा उसी तर्ज पर मालूम है, लेकिन तुम्हें आकार नहीं मालूम है, आकार नहीं मालूम है तो आप उस चीज़ को गा नहीं सकते हो। आप दिमाग में आपका आएगा कि ऐसे ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, लेकिन आप करेक्टली जब, क्योंकि आपको आकार ही नहीं आता है तो आप कैसे बजा पाएंगे उस चीज़ को, है ना। तो इस वीडियो में हम आपको आकार आकार के बारे में और स्वर का उल्टा पलटा मतलब उठान और नीचे ऊपर क्या सब चीज़, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी होती है यार, अगर ये चीज़ नहीं सीखोगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी आगे सीखने में। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ के डिस्कर्स बहुत बारीकी तरीके से, बहुत स्पेशल तरीके से आप लोगों को बीच में जो है हम करने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेजें आपको बहुत कम आपको जो है यूट्यूब पर मिलेंगी। काफ़ी लोग देते हैं नॉलेज, लेकिन ये नॉलेज आपको काफ़ी जो है हद तक ऊँचाइयों तक ले जाएगी, आपके कुछ माइंड में स्पेशल तरीके से आने वाला है। अब बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर आकार के बारे में कि देखिए कोई चीज़ है उसे आकार में हम बजाएं। जैसे एग्जांपल फॉर कोई चीज़ मान लीजिए हम तर्ज, कोई हमारे पास जैसे तर्ज है, ठीक है, जैसे हमारे पास यही तर्ज है मान लीजिए, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आज चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। अब ये चीज़ आपको गाना पता है, इसके बहुत सारे गीत हैं, जैसे हमने वीडियो पहले दिया था ये वाला, अब इसी पर बहुत सारे गीत हैं। अरे एक दिन भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। अब ये चीज़ आपको ये गाना तो पता है, आप निकाल लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल, मतलब एक चीज़ समझिए, समझने वाली बात बहुत ज़रूरी यही है कि आप ये गाना तो निकाल ले, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, आप कोई सामने वाला गा रहा है कि एक दिना भोले भंडारी या फिर अजागो जागो शेरा वाली जागो पहाड़ा, उसने गाया, आपको गाना तो मालूम है लेकिन आपको आकार ही नहीं मालूम है। तो आकार, अगर जब तक आकार आपको नहीं मालूम होगा तब तक आप निकाल नहीं सकते हो उस चीज़ को, निकाल सके याद आएगी आपको बार बार वही चीज़ कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से बजती है, लेकिन आपके माइंडली में आएगा यानी तर्ज आएगी, लेकिन आकार, देखिए आकार करने का सबसे बढ़िया तरीका, एक बहुत सारे गीत हैं जैसे हम आपको और बताते हैं, जैसे इस संसार में बना रहे भाई बहन का प्यार, किसी का प्यार न छूटे, हमारा घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न छूटे, हमारा घर द्वार। अब ये चीज है, इसी पर बहुत सारे गीत जैसे कि पंख जो होते मैं उड़ जाती, पंख जो होते मैं उड़ जाती, नंद बाबा के द्वार, उमड़ी उमड़ी मेरो जिया रह जावे, बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवत हुए गो के भूखो सोवत हुए गो। अब
ये एक गाने पर कितनी तरजें आपने खुद अंदाजा लगा लिया होगा, इस चीज को समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करेंगे यहाँ पर आकार कैसे करें। देखो आकार का ये है, जैसे ये गाना है, आकार में इस तरीके से सीखो, ला 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 ला। अब ये चीज जैसे ला 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 आप आकार कर रहे हो, अब सामने वाला कोई गाना गा रहा है तो एकदम से उसको आकार में ले लो। सामने वाला गा रहा है बाबूजी, अब तुम अपना वही चीज को आकार में लो, ला 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 ला, एकदम से मंडली में आ जाएगा कि उसी तर्ज में चल रहा है। जैसे हमने बताया था कि मिलो न तुम तो हम खा, अब इस चीज को जैसे सामने वाला गा रहा है, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अब इस चीज को अब वो सामने वाला व्यक्ति गा रहा है, अब उसी चीज को तुम अपने आकार में ले लो, ला 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 ला। अब आकार कोई सा आप गाना निकालें तो उसे गाने के बोल से ज़्यादा उस चीज़ को आकार में बजाने की कोशिश करें, है ना। तो जिससे आपको जो है गाना जब भी आप कोई बजाएगा सामने वाला व्यक्ति, तो आपको एकदम से उसका तरीका आ जाएगा कि हाँ ये आकार में जब आप लेकर कोई सी चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ लेकर चलेगा कोई सामने वाला या तुम स्वयं गाओगे उस चीज़ को, तो आकार में एक बार मन में गुनगुना कर देख लें कि ये कौन सी तर्ज में चल रहा है। आपको हारमोनियम पर थोड़ी जानकारी है, अगर तर्ज बजानी आती है वो, तो आकार में कोई सा गाना सीखें, तुरंत आकार में पहले सीखें, उसकी धुन को माइंड में आकार में सेट करें। अब बात करेंगे हम यहाँ पर जैसे आप स्वर की बात, तब जैसे गाने होते हैं, गाने में क्या होता है, जैसे रफी साहब के गीत हैं बहुत सारे, तो उनके जो है जैसे कोई गाना चल रहा है, बड़ी दूर से आए हैं प्यारे का तोहफा लाए हैं, या तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। अब ये चीज है, अब कोई सा गाना है जैसे उसे अब स्वर को उठाकर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अब इस चीज को सीखने के लिए आपको अलंकार की आवश्यकता है। जैसे सा गा पा नी सा सानी पागारे सा, अब इसी तरीके से सारे पा माधा पानी धासा साधा नी पा धामा पामा पा पा मा पागा रे मा गा रे सा सा नी सा धा सा पा सा मा सा गा सा रे सा 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 पा सा पानी सा सा धा पा धा सा सा धा मा पा गा रे सा। इस तरीके से आप गैप बाय गैप को स्वर को अभ्यास करिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आगे आपको पहुंचा सकता है, ये भी चीज़ आपको जो है आगे तक पहुंचा सकती है, गाने में मददगार आपकी कर सकती है। और गाना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कैसे जा रहा है, ये आपको जो है ये चीज़ आप जब ये चीज़ को सीख लेंगे, जब हमने आप जो चीज़ अभी करके बताई है, आप स्वर को सारे गामा पादा निसा सातों स्वर तो आपको बहुत बारीकी से पता ही होंगे, अब इस चीज़ को सीखने के बाद भाई मेरे, तब आपको जो है क्या होगा कि आपको जो है आगे चलकर आप कोई सा गाना निकालेंगे तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी एकदम स्वर पता लग जाएगा कि हमारी आवाज़ ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है ना।
ये चीज़ आपको बहुत लाभकारी होगी। और ये आपको जो है बहुत हमने इसलिए बताया कि जो लोग जो नए बजाने वाले तो उनको शायद थोड़ा कम समझ में आए, और जो थोड़ा बजा लेते हैं उनके बहुत चीज़ ये चीज़ समझ में आएगी, और वो चीज़ इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी से बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को सीख जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो भी आपको जो है बहुत बेहतर लगा होगा, लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।